नमस्कार दोस्तों दोस्तों चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक 3 लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस थ्योरी या फिर केन्जियन अप्रोच, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बॉमल इन्वेंट्री थ्योरी और टॉबिन पोर्टफोलियो सिलेक्शन, जो क्रिटिसिज्म है केन्जियन के ऊपर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड डिटर्मिनेशन। तो बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन हम करते हैं क्लासिकल से। क्लासिकल मॉडल में क्लासिकलिस्ट कहते थे इंटरेस्ट रेट आर डिटरमिन्ड बाय रियल फैक्टर्स, रियल फैक्टर जैसे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल, और अकॉर्डिंग टू क्लासिकलिस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रियल फिनोमिना। तो रियल जो फैक्टर्स थे वो डिटरमिन करते थे रेट ऑफ इंटरेस्ट को, इसलिए ये रियल फिनोमिना था। बात करते हैं केन्जियन एनालाइजिस के बारे में। इन केन्जियन एनालाइजिस इंटरेस्ट रेट इज डिटरमिन्ड बाय डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी। देखो केन्ज के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट डिटरमिन होता है या निर्धारित होता है डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी से, इसीलिए केन्ज कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट प्योरली अ मॉनेटरी फिनोमिना। और यही क्वेश्चन लास्ट टाइम यूजीसी नेट एग्जाम में भी आया था। ओके नाउ केन्ज ने कहा है मनी इज डिमांडेड फॉर 3 मोटिव्स, तो इसलिए उन्होंने कहा है फर्स्ट वन मनी डिमांडेड होती है ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए, मतलब ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी। दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव, दैट इज़ प्रिकॉशन डिमांड फॉर मनी। और तीसरा है स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी, मतलब स्पेकुलेशन मोटिव। और कुछ बातें हम यही समझ लेते हैं। नंबर वन ट्रांजेक्शन मोटिव, ट्रांजेक्शन मोटिव जो अपने डेली लेन देन के लिए हम खर्च करते हैं वो डिपेंड करता है अपने इनकम पे। और दूसरा प्रिकॉशनरी, जो हम फ्यूचर के लिए प्रिकॉशनरी बचा के रखते हैं वो भी डिपेंड करता है अपनी इनकम के ऊपर। और तीसरा है स्पेकुलेशन, मतलब इन्वेस्टमेंट या फिर स्पेकुलेशन सट्टा, तो ये डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। चलो अब डिस्कस करते हैं नंबर वन ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी। मनी इज नीडेड फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन, और ट्रांजिटरी डिमांड फॉर मनी इज़ फंक्शन ऑफ इनकम। यहाँ पे हमने यूज़ किया है TDM शॉर्ट फॉर्म ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी, लेकिन जो केन्ज ने यूज़ किया था वो किया था LT, मतलब लिक्विडिटी फॉर ट्रांजेक्शन। तो आप अपने अकॉर्डिंगली भी इसको यूज़ कर सकते हो, बस आपको समझ आना चाहिए। ओके नेक्स्ट वन ट्रांजिटरी डिमांड फॉर मनी इज डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेक्टेशन ऑफ इनकम अर्नर एंड बिजनेसमैन, मतलब जाहिर सी बात है डिपेंड करता है अपनी इनकम पे। ट्रांजिटरी डिमांड फॉर मनी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनली एंड पॉजिटिवली रिलेटेड विद लेवल ऑफ इनकम एंड इंडिपेंडेंट विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ट्रांजिटरी डिमांड फॉर मनी इज इंटरेस्ट इन इलास्टिक, अब इंटरेस्ट के कम होने या ज़्यादा होने से ट्रांजिटरी डिमांड इफेक्टेड नहीं होएगी, इसलिए ये ट्रांजिटरी डिमांड फॉर मनी इज़ अ इंटरेस्ट इन इलास्टिक है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट इम्पैक्ट ऑन ट्रांजिटरी डिमांड फॉर मनी, यस रेट ऑफ इंटरेस्ट इम्पैक्ट नहीं करेगी। सो कुछ बातें हम जो हम क्रिटिसिज्म में करेंगे वो यहीं कर लेते हैं। पोस्ट केन्जियन इकोनॉमिस्ट जैसे बॉमल एंड टॉबिन ने ये कहा दैट शोज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांजिटरी डिमांड फॉर मनी, बल्कि केन्ज कहते थे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बल्कि इनकम पे डिपेंड करता है, ट्रांजिटरी डिमांड फॉर मनी डिटर्मिन होता है इनकम से, बट बॉमल एंड टॉबिन कहते थे इनकम से नहीं बल्कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से होता है। फिर उसके बाद कुछ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया, वो कहते थे ट्रांजिटरी डिमांड फॉर मनी इज फंक्शन ऑफ बोथ, इनकम पे भी डिपेंड करता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। ओके अकॉर्डिंग टू केन्ज इंडिविजुअल होल्ड आइदर मनी और बॉन्ड ओनली वन एट टाइम, तो केन्ज के अकॉर्डिंग कोई भी इंडिविजुअल या तो अपने पास मनी रखेगा कैश के रूप में या फिर बॉन्ड ओनली वन एट ए टाइम, तो एक टाइम में सिर्फ एक ही चीज़ रख सकता है। नेक्स्ट वन पीपल नीड एक्टिव बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ कैश फॉर ट्रांजेक्शन, तो जो ट्रांजेक्शन पर्पज़ के लिए हम पैसा रखते हैं उसको हम बोलते हैं एक्टिव बैलेंस। नेक्स्ट वन इसको हम सिंबॉलिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ TD इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ, TD इज़ अ फंक्शन ऑफ Y, मतलब ट्रांजिटरी डिमांड फॉर मनी इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। अब करते हैं दूसरी टर्म्स, दैट इज़ प्रिकॉशनरी मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव दैट इज़ फ्यूचर इज़ टोटली अनसर्टन
बिल्कुल ही अनिश्चित है। सो पीपल होल्ड कैश बैलेंस टू मीट अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर लाइक सिकनेस, एक्सीडेंट्स, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह। तो फ्यूचर में कोई भी घटना हमारे साथ हो सकती है, लाइक सिकनेस, हम बीमार हो सकते हैं, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, मे बी अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए फ्यूचर में, तो हम प्रिकॉशनरी कुछ अमाउंट बचा के रखते हैं। सो द अमाउंट ऑफ मनी केप्ट फॉर प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी इज़ कॉल्ड आइडल बैलेंस। तो इसको बोलते हैं आइडल बैलेंस, और जो हम कैश ट्रांजेक्शन के लिए रखते हैं उसको बोलते हैं एक्टिव बैलेंस। ओके, अकॉर्डिंग टू केन्ज, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। अगेन सेम है ट्रांजेक्टरी डिमांड फॉर मनी की तरह ही, और सिम्बोलिकली इसको प्रेजेंट कर सकते हैं हम, पी डी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, द प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। सो अकॉर्डिंग टू पोस्ट केन्जन इकोनॉमिस्ट जैसे बॉमल और टॉबिन, पी डी एम दैट इज़ प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उन्होंने कहा है कि जो प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी है वो दोनों पे ही डिपेंड करता है, या फंक्शन है इनकम का भी और रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी। सो नेक्स्ट वन, द अमाउंट ऑफ मनी केप्ट फॉर प्रिकॉशनरी डिमांड इज कॉल्ड आइडल बैलेंस, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। और तीसरा मोटिव है स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी। स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है लिक्विडिटी प्रेफरेंस का अप्रोच। ओके, द कैश हेल्ड अंडर दिस मोटिव इज यूज्ड टू मेक स्पेकुलेटिव गेन्स और इन्वेस्टमेंट बाय डीलिंग इन बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज हुज प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लक्चुएट इनवर्सली। तो यहाँ पे ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे प्राइजेस और रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक इन्वर्स रिलेशन होगा, मतलब बॉन्ड और रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक इन्वर्स रिलेशन होगा। सो दैट इज़ बॉन्ड प्राइजेस आर इन्वर्सली रिलेटेड विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो स्पेकुलेशन फंक्शन तो है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, लेकिन डिक्रीजिंग है। सो अकॉर्डिंग टू केन्ज, स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। फंक्शन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है लेकिन डिक्रीजिंग, और हम इसको सिम्बॉलिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू दैट इज फंक्शन ऑफ आर, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बात करते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी। देखो यहाँ पे एक इन्वर्स रिलेशन है इंटरेस्ट रेट और स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी के बीच में। तो जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा, दैट इज मैक्सिमम हो सकता है 12%। जब 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो यहाँ पे 0% स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी होगा, और लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है 2%। अगर 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी हो जाएगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल लेवल पे, दैट इज इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं दैट इज लिक्विडिटी ट्रैप। और 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन आई है 1929 जब ग्रेट डिप्रेशन थे यूएसए में, और एट वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी इज परफेक्टली इलास्टिक, और उसी सिचुएशन को हम बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। ओके, स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल है, एक फंक्शन तो है लेकिन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब थोड़ा इनवर्स रिलेशन है, हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर द स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी, और उसके अपोजिट अगर लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना लोअर होगा उतनी ही ज़्यादा स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी होगी। इन द लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन पीपल प्रेफर टू कीप मनी इन कैश रेदर देन इन्वेस्ट इन बॉन्ड। बिल्कुल सही है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगा सबसे, तो उनको बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है, इसलिए पीपल अपने पास ही रखते हैं पैसा, दैट इज़ पीपल विल प्रेफर होल्ड कैश रेदर देन इन्वेस्ट इन बॉन्ड। और स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी इज़ इन्फिनेटली लार्ज, तो यहाँ पे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्फिनेटली लार्ज हो जाएगा स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी। और लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन में क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो जाता है जीरो। क्राउडिंग आउट क्या होता है, जब गवर्नमेंट का इन्वेस्ट बढ़ रहा होता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा कम होता है, तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना ही क्राउडिंग आउट इफेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होगा इसमें, और जितना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा उतना ही क्राउडिंग आउट इफेक्ट ख़त्म होना शुरू होगा। तो 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जहाँ पे ये लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन है वहाँ पे क्राउडिंग आउट इफेक्ट जीरो हो जाएगा।
ओके नेक्स्ट वन, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ वेरी लो, यील्ड ऑन बॉन्ड्स इक्विटीज़ एंड अदर सिक्योरिटीज़ विल बी लो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ही कम होगा उतने ही बॉन्ड और सिक्योरिटीज़ में से जो अर्निंग है वो उतनी कम होगी। और सिमिलरली अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो हो जाएगा तो जो रिस्क है होल्डिंग बॉन्ड का, बॉन्ड रखने का, वो भी ज़्यादा हो जाएगा। सो अब पढ़ते हैं इसकी इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशन ऑफ स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी, जो लिक्विडिटी ट्रैप है उसकी। मोनेटरी अथॉरिटी कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय चीप मनी पॉलिसी। मतलब मोनेटरी पॉलिसी यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, तो इससे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। सेकेंड वन, एन इंक्रीज इन क्वान्टिटी ऑफ मनी कैन नॉट डिक्लाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन लिक्विडिटी ट्रैप। अगर लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन में क्वान्टिटी ऑफ मनी इंक्रीज भी होती है तो जो लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन है, दैट इज़ 2% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, वहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे नहीं गिर सकता। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी फॉल टू जीरो, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 0% नहीं हो सकता, वो 2% से नीचे नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू इट्स इम्प्लीकेशंस। ओके, अकॉर्डिंग टू केन्ज डिमांड फॉर मनी इज़ अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम। तो ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केन्ज कहता है डिमांड फॉर मनी फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी और इनकम का भी, और सिंबॉलिकली दैट इज़ डी एम इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर एंड वाई। और नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू केन्ज डिमांड फॉर मनी इज़ अनस्टेबल। तो डिमांड फॉर मनी अनस्टेबल है केन्ज के अकॉर्डिंग। जो मोनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट थे लाइक फ्रीडमैन, उनके अकॉर्डिंग डिमांड फॉर मनी स्टेबल रहती थी। और नेक्स्ट वन, डिमांड फॉर मनी इज़ इंटरेस्ट इलास्टिक। तो डिमांड फॉर मनी इंटरेस्ट इलास्टिक है, और इन्वेस्टमेंट डिमांड इज अनस्टेबल। सो ये तीनों ही अजम्पशन इसकी केन्ज की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब पोस्ट केन्जियन दो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था केन्ज के लिक्विडिटी ट्रैप को। फर्स्ट वन बॉमल इन्वेंट्री अप्रोच और दूसरा टॉबिन पोर्टफोलियो सिलेक्शन मॉडल। तो ये भी दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेशन फॉर्म में आते रहते हैं। तो चलो, नंबर वन है बॉमल इन्वेंट्री अप्रोच। बॉमल इन्वेंट्री अप्रोच या फिर थ्योरेटिकल अप्रोच डिस्कस अबाउट ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी। तो ये बात का ध्यान रखना, बॉमल किसी चीज़ की बात नहीं करता, स्पेकुलेशन की बात नहीं करता और प्रिकॉशनरी मनी की बात नहीं करता, वो सिर्फ ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी की बात करता है। और नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू हिम मनी इज़ डिमांडेड फॉर ट्रांजेक्शन पर्पज़ ओनली। और वो ये भी कहता है मनी सिर्फ डिमांडेड की जाती है सिर्फ ट्रांजेक्शन पर्पज़ के लिए। सो अकॉर्डिंग टू हिम रिलेशन बिटवीन ट्रांजिटरी डिमांड फॉर मनी एंड इनकम नाइदर लीनियर नॉन प्रोपोर्शनल। तो ये भी अजम्पशन इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है इनकम और ट्रांजिटरी डिमांड फॉर मनी में ना तो यहाँ पे लीनियर रिलेशन है और ना ही प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो मतलब कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है। दूसरा, ट्रांजिटरी डिमांड फॉर मनी इज़ इंटरेस्ट इलास्टिक। तो सिंपल सी बात है, ये कहता है ट्रांजिटरी डिमांड फॉर मनी इंटरेस्ट इलास्टिक है, मतलब इंटरेस्ट के बढ़ने से ट्रांजिटरी डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी और इंटरेस्ट के कम होने से ट्रांजिटरी डिमांड फॉर मनी कम होगी। मतलब जाहिर सी बात है रेट ऑफ इंटरेस्ट एक इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है ट्रांजिटरी डिमांड फॉर मनी का। और बॉमल ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, बॉमल गेव डिमांड फॉर मनी स्क्वायर रूट फार्मूला। तो ये लास्ट टाइम किसी में एक बार यूजीसी नेट में भी आया था, हु गेव द स्क्वायर रूट फार्मूला ऑफ स्पेकुलेशन दैट इज ट्रांजिटरी डिमांड फॉर मनी, वो था दैट इज बॉमल। तो इसने कॉन्सेप्ट दिया दैट इज एम डी डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 2by/r। और दूसरी कंडीशन हम इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, के इज इक्वल टू अंडर रूट 2by/r। तो एम डी डिमांड फॉर मनी, पी शो करता है प्राइस, आर शो करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कॉन्स्टेंट रहता है, बी इज ब्रोकरेज फीस जो फिक्स रहता है, और इनकम दैट इज वाई इज इनकम, और के इज द साइज ऑफ ईच कैश विथड्रॉल्स। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं टॉबिन्स पोर्टफोलियो सिलेक्शन की। टॉबिन ने अपनी थ्योरी में कहा, दैट इज टॉबिन इन इज थ्योरी लिक्विडिटी प्रेफरेंसेज एज अ बिहेवियर टुवर्ड रिस्क। उसकी थ्योरी थी लिक्विडिटी प्रेफरेंसेज एज अ बिहेवियर टुवर्ड रिस्क। डिस्कस स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी। अब एक बात यहाँ नोट डाउन कर लेना कि टॉबिन ने ना तो ट्रांजिटरी डिमांड को डिस्कस किया ना ही प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी को डिस्कस किया, उसने सिर्फ एक ही पॉइंट डिस्कस किया दैट इज स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी को। सो टॉबिन फॉर्मुलेट रिस्क अवर्जन थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस।
सो टॉबिन रेक्टिफाइड टू केन्जन डिफेक्ट्स, जो केन्ज के दो डिफेक्ट्स थे वो दूर किए थे टॉबिन ने. फर्स्ट वन, लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस डिपेंड अपॉन इन इलास्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट. देखो शॉर्ट रन में तो जो लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस होती है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट परफेक्टली इलास्टिक होता है, लेकिन जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड होती हैं या फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन होती है वो ये होता है कि लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट इन इलास्टिक हो जाएगा फ्यूचर में. तो एक तो ये बात को इसने रेक्टिफाई किया. दूसरा, इंडिविजुअल होल्ड वन थिंग, आइदर मनी और बॉन्ड्स. दूसरी बात, केन्ज ने ये कही थी कि इंडिविजुअल एक ही चीज़ रख सकता है, या फिर अपने पास कैश या फिर बॉन्ड, मतलब एक टाइम में एक चीज़. तो देखते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बारे में टॉबिन ने क्या कहा. नेक्स्ट वन, टॉबिन अज्यूम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैपिटल गेन और लॉसेस फ्रॉम होल्डिंग बियरिंग इंटरेस्ट इज ऑलवेज जीरो. मतलब टॉबिन के अकॉर्डिंग लॉन्ग रन में चाहे वो कैपिटल गेन हो या फिर लॉसेस हो, फ्रॉम होल्डिंग बियरिंग इंटरेस्ट, फ्रॉम इंटरेस्ट से वो ऑलवेज जीरो ही होंगे. और दूसरा उसने क्रिटिसाइज़ किया, इंडिविजुअल कैन होल्ड बोथ मनी एंड बॉन्ड एट अ टाइम. तो केन्ज ने कहा था कि इंडिविजुअल एक चीज़ रख सकता है एक साथ में, या तो बॉन्ड या फिर मनी कैश. तो टॉबिन कहता है ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल दोनों ही एक साथ एक टाइम में रख सकते हैं. नेक्स्ट वन, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इलास्टिक. तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेशन है वो लॉन्ग रन में इलास्टिक होगा. नेक्स्ट वन, टॉबिन ने थ्री कैटेगरीज ऑफ रिस्क की है, तीन कैटेगरीज दी. नंबर वन, रिस्क लवर. रिस्क लवर क्या करते हैं, ज़्यादा रिस्क लेते हैं, इसलिए टू पुट ऑल दियर वेल्थ इनटू बॉन्ड्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. वो अपने पास कैश नहीं रखते, जितना भी पैसा उनका बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि वो स्पेकुलेटर होते हैं, हाईली रिस्क लवर. ओके, दूसरे होते हैं प्लंगर. दे पुट ऑल दियर वेल्थ आइदर इनटू बॉन्ड और विल कीप इन कैश. प्लंगर होते हैं, दैट इज़ रिस्क लेते भी हैं और थोड़ा बचते भी हैं, इसलिए वो अपना हाफ थोड़ा बहुत बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं और थोड़ा कैश अपने पास रखते हैं. और तीसरी कैटेगरी में रिस्क अवर्टर. रिस्क अवर्टर होते हैं जो रिस्क से बचते हैं. सो दे प्रेफर टू अवॉइड रिस्क ऑफ लॉसेस. तो रिस्क ऑफ लॉस से वो बचते हैं, इसलिए दे आर प्रिपेयर टू बियर सम एडिशनल रिस्क ओनली इफ दे एक्सपेक्ट टू रिसीव सम एडिशनल रिटर्न ऑन बॉन्ड्स. वो बॉन्ड में इन्वेस्ट तभी करेंगे जब उनको पता होगा, मतलब एडिशनल रिस्क वो तभी लेंगे जब उनको इंश्योर होगा कि हमें एडिशनल रिटर्न्स फ्रॉम बॉन्ड्स मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए. नेक्स्ट वन, मनी नाइदर ब्रिंग्स एनी रिटर्न नॉर रिस्क. तो जो मनी आपके पास है, जो कैश है, उससे ना तो आपको कुछ रिटर्न मिलेंगे और ना ही उसमें कोई रिस्क है. ओके, तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किए दैट इज़ लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी और उसके बाद इसके क्रिटिसिज्म टॉबिन और बॉमल के द्वारा. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉब वेब मॉडल ऑफ बिजनेस साइकिल. दोस्तों बिजनेस साइकिल की यहाँ पे काफ़ी थ्योरीज हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है कॉब वेब मॉडल ऑफ बिजनेस साइकिल. तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉब वेब मॉडल. आप बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स साथ. थैंक यू.